तो गाइस रिसेंटली थोड़े दिनों में इंडिया के अंदर दो नए 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुए। गाइस ये जो दोनों स्मार्टफोन है ये आपको काफी तगड़े स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। ये आपको अंडर 12,000 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। एक जो आपको देखने को मिलता है वो है लावा ब्लेज 5G स्मार्टफोन और दूसरा जो है वो है आपको इन्फिनिक्स हॉट 20 5G स्मार्टफोन। गाइज ये जो दोनों स्मार्टफोन है इनका मैं आज करने वाला हूँ कंपेरिजन, साथ ही गाइज इन दोनों में से आपने कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए ये सारी चीजें मैं आपको ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो में इन तक बने रही है और चैनल भी कभी पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते। तो गाइज सबसे पहले इन दोनों में डिजाइन की कभी बात करते तो लावा ब्लेज 5G स्मार्टफोन में जो है ये जो बैक साइड में ये आपको प्रीमियम ग्लास बैक देखने को मिल जाता है। गाइज इसकी जो डिजाइन है ये आपको ऐसा लगेगा कि 25,000 से 30,000 का स्मार्टफोन है ऐसी देखने को मिल जाती। तो डिजाइन वाइज जो है ये आपको लावा का स्मार्टफोन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ ही गाइस इन्फिनिक्स का जो स्मार्टफोन है इसकी भी डिजाइन आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसका जो बैक पैनल है ये आपको प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाता है और इसके ऊपर आपको टेक्चर वाली डिजाइन देखने को मिल जाती है। इसकी भी जो डिजाइन है ये आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। गाइस इन दोनों के अंदर डिस्प्ले की कभी बात करते तो लावा ब्लेज 5G के अंदर आपको 6.5 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि वाइडबैंड 11 सपोर्ट के साथ आता है। और गाइस इन्फिनिक्स हॉट 20 के अंदर आपको 6.6 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो गाइस दोनों के अंदर एक प्लस माइनस पॉइंट है पर मेरे ख्याल से आपको जो इन्फिनिक्स का डिस्प्ले ये आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो गाइस दोनों स्मार्टफोन में कैमरे की कभी बात करते हैं तो लावा ब्लेज 5G स्मार्टफोन में रियल साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल की माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप कैमरा। और गाइस इसके रियल साइड में आपको 2K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही इसके अंदर आपको EIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन्फिनिक्स के अंदर रियल साइड में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। गाइस इसके अंदर भी आपको 2K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है पर इसके अंदर आपको EIS का सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता है और इसके अंदर आपको माइक्रो लेंस मिसिंग देखने को मिल जाती है। गाइस दोनों स्मार्टफोन में सेल्फी की भी बात करते तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। गाइज मेरे ख्याल से जो है ये जो लावा का स्मार्टफोन है ये आपको कैमरे के अंदर काफी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। गाइज इन दोनों में परफॉर्मेंस की कभी बात करते तो लावा ब्लेज 5G के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये प्रोसेसर आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है पर गाइज इन्फिनिक्स के अंदर जो है ये आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छा काफी पावरफुल प्रोसेसर है। गाइस दोनों के अंदर 5G के बैंड्स काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इन्फिनिक्स के अंदर आपको 12 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं और लावा के अंदर भी आपको 80 बैंड देखने को मिलते हैं पर जो इंडिया के अंदर 5G में सपोर्ट है वही 8 बैंड आपको देखने को मिल जाते। तो दोनों के अंदर 5G का जो नेटवर्क है ये आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर वाइज जो है ये आपको इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। गाइस दोनों स्मार्टफोन में बैटरी की कभी बात करते तो इन दोनों स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिल जाएगी। दोनों की जो बैटरी है ये आपको काफी अच्छी देखने को मिलने वाली। गाइस दोनों स्मार्टफोन में प्राइस और वेरिएंट की कभी बात करें तो दोनों के अंदर आपको 4GB की रैम देखने को मिल जाती है और दोनों स्मार्टफोन में आपको 3GB रैम एक्सटेंडेड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की कभी बात करें तो लावा के अंदर आपको 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है, इन्फिनिक्स में आपको सिर्फ 64GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इनमें प्राइस की कभी बात करें तो लावा की जो है 4GB रैम 128GB वाला जो वेरिएंट है इसकी प्राइस आपको सिर्फ 11,000 देखने को मिल जाती है और ये ऑफर्स में आपको 10,000 में देखने को मिल जाता है। और इन्फिनिक्स जो है 4GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट इसकी जो प्राइस है ये आपको 12,000 देखने को मिल जाती है, ये भी आपको ऑफर्स के साथ 11,000 में देखने को मिल जाएगा। गाइज दोनों जो स्मार्टफोन है ये आपको ऑल ओवर काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। गाइज आपको कभी एक अच्छा नॉर्मल 5G स्मार्टफोन चाहिए, आपका कैमरे का यूज है और आपको डिजाइन में प्रीमियम स्मार्टफोन चाहिए तो आप लावा का ब्लेज 5G स्मार्टफोन ले सकते हो। पर गाइज आपको प्रोसेसर में एकदम काफी अच्छा स्मार्टफोन चाहिए और आपको नॉर्मल 5G स्मार्टफोन चल जाएगा तो गाइज आप
इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन ले सकते हो। दोनों स्मार्टफोन आपको काफी तगड़े देखने को मिल जाएंगे। गाइस आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताओ। और गाइस वीडियो का भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहते। तो गाइस मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।